मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में की जनसभा। यूपी के रामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशी जयप्रदा के लिए वोट मांगे और मंच से अपनी सरकार के गुणगान किए, साथ ही अपने विपक्षियों पर निशाना भी साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से कहा, हर जुबान पर एक ही शब्द है, सिर्फ मोदी मोदी। बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को लाभार्थियों को पहुंचाने वाले नेता मोदी जी हैं। श्री नरेंद्र मोदी का हर जवान एक आवाज कहता है, मोदी मोदी मोदी। प्रधानमंत्री के रूप में उनकी पहली पसंद और हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। दुनिया का सबसे तेजस्वी, दुनिया का सबसे ओजस्वी, बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने वाला यशस्वी नेता, जिसके नेतृत्व में कोई संदेह नहीं कर सकता, जिनकी गरीब समर्थक नीतियों और भारत को दुनिया की महाशक्ति के रूप में स्थापित करने वाली नीतियों पर और जिनकी अपनी ईमानदारी की नियत पर कोई संदेह नहीं कर सकता है, ऐसा यशस्वी नेता भारतीय जनता पार्टी के पास, आप सबके पास है। दूसरी तरफ बिखरावा विपक्ष, न नेतृत्व है, न नियत है, न कोई नीति है, और जब भी उन्हें सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ, अपने परिवार के लिए और अपने स्वयं के भाई भतीजों के लिए उन्होंने संपत्ति और देश और प्रदेश के संसाधनों में जो लूट का एक सिलसिला प्रारंभ किया, वे लोग भी आज इस चुनावी समर में आपके पास हैं। आपने देखा होगा, मोदी जी ने 5 वर्ष का कार्यकाल उन्हें प्राप्त हुआ। 5 वर्ष के दौरान मोदी जी ने देश को जाति, मत, मजहब या संप्रदाय के आधार पर नहीं देखा। उन्होंने पहले ही दिन इस बात को कहा कि मेरी सरकार आएगी तो देश के अंदर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए हम कार्य करेंगे। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं फलाने परिवार के लिए कार्य करूंगा।